के लिए दिक्कत पैदा करना। इस तरह के रिक्शा चालकों की मनमानी कार्यभार पर किसी का नियंत्रण नहीं होने के चलते नागरिकों में नाराजगी है। इस परिस्थिति के चलते नागरिकों को कई दिक्कत का सामना करना पड़ता है। रोड क्रॉस करने में लोगों को परेशानी होती है, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस को झुठलाया नहीं जा सकता। इस समस्या को भाजपा कार्यकर्ता नितिन कंधारी ने काफी गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्रशासन तक समस्या ले जाके इसे हल करने की जरूरत को बताया। अगर आप पीछे देख सके मेरे, तो सारे ऑटो रिक्शा स्टैंड वालों को दो दो स्टैंड दिए हुए हैं, एक शहर रिक्शा वालों को और एक प्राइवेट रिक्शा वालों को। फिर भी सभी लोग यहीं पे खड़े हो जाते हैं। अभी आप देखेंगे कि लोगों को, औरतों को या बुजुर्गों को चलने में कितनी दिक्कत होती है। जब उनको जगह दी गई है तो क्यों इस पे कुछ नहीं होता। इसीलिए मैंने ट्रैफिक डीसीपी को लेटर लिखी है कि यहाँ पे दोपहर को जो 1 से 4 के बीच में कांस्टेबल नहीं रहता है वो यहाँ पे रहे, जो ये सब नियम के अनुसार चल सके। मनपा, परिवहन या आरटीओ विभाग नागरिकों की समस्या पे ध्यान देके दोषी रिक्शा चालकों पे कार्रवाई करेगा, ये देखना अहम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रिंकू चौहान के साथ पंकज।